पगड़ी संभाल रे जट्टा, पगड़ी संभाल। गाना तो सुने होंगे ना, अजीत सिंह की, जो कि भगत सिंह जी के चाचा थे। साथियों, उस समय तो बहुत स्थिति जो है ना बहुत विकट थी, तब जाकर हम लोग आज़ादी हासिल किए। यार थोड़ा सा ध्यान नहीं आता है, थोड़ी सी याद नहीं आती हमारे आज़ादी दिवस आपको। आखिर तानाशाह लोग, आखिर जो संसद थी उस समय, जो हमारे ऊपर अधिकार करके बैठी थी, हम लोग जीत हासिल किए कि नहीं किए भाई? जब उतनी बड़ी जीत हमें मिल सकती है, जब ग्रुप डी वाले बच्चे अपना डेट अनाउंसमेंट करवा सकते हैं, एसएससी जीडी वाले हड़ताल कर कर 15 दिन में अपना ज्वाइनिंग लेटर निकलवा सकते हैं, जब यूपीएसआई वाले हंगामा कर कर डेट निकलवा सकते हैं, यार तुम किस खेत की मूली हो? जमीन पे ही रहते हो ना, भारत की जमीन से हो ना, तो भारत की जमीन से हो तो भारतीय खून क्यों नहीं अंदर? समझ में नहीं आता है? जब आपको बुलाया गया था दोस्तों पहले 24 नवंबर को, तब आप लोग नहीं आए। उसके बाद फिर से अभी हाल ही में धरना के लिए बुलाया गया था, 12 बच्चे आए। अब कह रहे हो कि सर फिर से धरना कराओ। अभी बहुत सारे बच्चों का कमेंट है, अभी हम लेते हैं सारे कमेंट, ये देख रहे हैं सारी चीज़ें। अभी आज ही 2 नोटिस आई है इंपॉर्टेंट, हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यूपीटेट का, यूपीटेट के लिए 2 इंपॉर्टेंट नोटिस है। हम आपको कल 2 चीज़ देने वाले हैं, एक अपना जो मार्कशीट नंबर है, मार्कशीट मतलब कि जो हमारा मार्कशीट है यूपीटेट का, भैया का भी है, तो उनका मार्कशीट यूपीटेट का भी एक दिन सीटेट का आपको दिखाएंगे। देखना कितना अच्छा नंबर आया है। एक बार हमने फर्जी जाके दिया था, उसमें 100 नंबर आया है, वो भी दिखाएंगे। आप देखना पहले उसको, फिर उसके बाद बताना हमको। साथियों वो दोनों हम मार्कशीट आपको दिखाएंगे, भैया वाला भी। पहले भैया वाला दिखाएंगे जिसमें 122 नंबर आया है, सीटेट में 122 आया, यार मामूली बात नहीं है। वो भी उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते जितना हम लोग पढ़ते हैं, जितना हम पढ़ते हैं, घर में सबसे कम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उतना नंबर तो लाए, दिमाग के तेज होंगे तभी तो। आज सिलेक्शन है, बैंक मैनेजर हैं, लेकिन उनकी भूख अभी शांत नहीं हुई है। इसी तरह भूख नहीं शांत होना चाहिए साथी। भूख अगर शांत हो गया ना तो आदमी बिल्कुल यार खराब आदमी बेकार हो जाता है साला, बिल्कुल। और जो कुछ यहाँ पे लापरवाह लोग आते हैं दोस्तों, एक बात और है आप लोग का, जो आप पूछे हो कि यहाँ पे लिख लेते हैं, एक काम और आपने पूछा है, एक बात कि सर जी हमें जो स्कॉलरशिप के बारे, स्कॉलरशिप नहीं, जो लैपटॉप के बारे में, लैपटॉप योजना, इस पर हमने अभी एक वीडियो बनाया था, नहीं देखें तो देख लीजिए भाई, है ना। ग्रुप डी पे भी वीडियो बनाया था, जो बच्चे बोल रहे थे ग्रुप डी के लिए, यूपीएसआई पे भी वीडियो बनाया है, जो बच्चे नहीं देखे देख लें, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं बच्चों का कमेंट लिया जाता है जो दिन भर के कमेंट किए होते हैं, चाहे जिस भी फील्ड से, उनका जवाब यहाँ पर दिया जाता है। तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शेयर करें, और आप लोग ने कम से कसम खाया है भाई, कम से कम अगर 30,000 हमारे हो गए फैमिली, 30,000 सब्सक्राइबर, 30,000 फैमिली हो गए, जितनी जल्दी होंगे, याद रखना हम आपको लास्ट नवंबर तक का समय दिए हैं। अभी 4 सेमेस्टर के एग्जाम के डेट आए हैं, प्रस्तावित डेट आया है, घोषित नहीं हुआ है, याद रखना। अभी भी बात बन सकती है मेरे साथियों, अगर आप लोग शेयर कर देते हो। जो 2017 बैच के प्रशिक्षु हैं, जिन्होंने 3 बार जिनका बैच था, वह अगर एग्जाम के लिए अप्लाई किए थे, वहाँ पर प्रत्यावेदन दायर किए थे, तो उनका भी 4 सेमेस्टर का एग्जाम इन्हीं के साथ होगा। और जो बैक प्रशिक्षु हैं, जो 2019 से बैक लगा है, उनका सिर्फ एक बार और चांस मिल सकता है। कब? जो हमने बता दिया, धरना होगा वहाँ पर, बिजोड़ धरना होगा। लेकिन अब हम तभी मानेंगे, तभी उठाएंगे अपना, आगे कदम बढ़ाएंगे, जब 30,000, इतना शेयर करो कि 30,000 आ जाएगा, मामूली चीज़ यार, एक एक दो दो दिन में हो जाते हैं, 1-1 लाख, 2-2 लाख। दम हो, साहस हो तो सारे क्लासेस शेयर करो, एक क्लासेस नहीं, सारे क्लास शेयर करो, हर जगह बताओ, अपने रिलेशन में बताओ, अपने भाई को बताओ, अपने बहन को बताओ, अपने गाय, अपने गली गुच्ची में बताओ, यार सब लोग आएंगे यहाँ पर। जब अच्छे कंटेंट्स दिए जाते हैं, जिनको जिनको लैपटॉप योजना के बारे में देखना है, किस प्रकार से भरा जाता है, कब से भरना जाना स्टार्ट होगा, कब लास्ट तिथि है, कौन कौन भर सकते हैं, डीएलएड वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, वो जाकर आप देख लेंगे। अभी शाम में हमने वीडियो डाला था 5 बजे, फटाफट जाकर आप लोग देख लीजिए उसको, ठीक है। और जितने दिन भर की वीडियो आते हैं भाई, आप लोग शेयर किया करो, 2-1 मिनट की वीडियो होते हैं, आप लोग पता नहीं कहाँ सोते हो। अब क्लासेस नहीं करना है क्या यूपीटेट के? बताओ तो, यूपीटेट के क्लास रिवीजन नहीं करने हैं? वही नंबर लाना है 120, इसी यही सब पढ़ कर नंबर लाए हैं हम भाई, भाई साहब यही सब पढ़ के नंबर लाए हैं। और आप लोगों की पता नहीं क्या होता है भाई, इतनी संख्या है आपकी, अगर एक एक लोग शेयर करेंगे ना, तो एक दिन में क्या मात्र 12 घंटे में आ जाएंगे 30,000। नहीं शेयर नहीं करते हो, दबा के सारे वीडियो शेयर करो यार, लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आता है। मत समझ में आए, तब समझ में आएगा जब भविष्य की दयनीय स्थिति आ जाएगी, तब लगता है कि हाँ हमारे समय बीत रहे हैं। समय तो कटने में समय नहीं लगता है, कब छोटे से बड़े हो गए आपको पता चला महाशय? नहीं ना, इसी प्रकार से कब समय बीत जाएगा नहीं पता चलेगा। एक हम वीडियो बनाने वाले हैं आपके यूपीटेट सीटेट पे, जो हमारा मार्कशीट है उस पर,
और जो एक ओ एम आर सीट है, ओ एम आर सीट, ओ एम सही तो लिखा था, ओ एम आर सीट, जो ओ एम आर सीट है इस पे हम एक वीडियो बनाने वाले हैं कि आप इसको किस प्रकार से बबल करोगे, क्योंकि पिछली बार पक्षों ने गलत कर दिया था, उनका जो एक तरह से रिजल्ट था वो आउट हो गया था, रिजल्ट ही नहीं निकाला गया था उनका, बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो हम एक कल वीडियो जरूर लाएंगे दो, और आपको कुछ तीन चार ओ एम आर सीट भी देंगे। करंट हेवन के टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, आपको तीन या चार ओमआर सीट देंगे, आप प्रैक्टिस कर लेना उस पे अच्छे से, ठीक है। हम लिंक्स के थ्रू देंगे आपको, वहां से डाउनलोड करना मन करे तो किसी सॉफ्ट से निकलवा कर आप प्रैक्टिस करना उस पे, क्योंकि जो बबलिंग होती है बहुत हिसाब से किया जाता है। कल बताएंगे हम, कल सुबह ही सबसे पहले वही वीडियो डालेंगे, इसके बाद अपना मार्कशीट डालेंगे जिसमें 122 119 नंबर है, यूपीटेट में 119 है भाई, तो डालेंगे, आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। और एक बात और है, इसके बाद जिक्र करने वाले यूपी डीएलएड डायरेक्ट एडमिशन पर, कुछ बच्चों ने बात किया है सर डायरेक्ट एडमिशन कब हो रहा है भाई, स्टार्ट हो गया है डायरेक्ट एडमिशन। आज हमारे ही मित्र ने एक कॉल किए थे जिसका नाम है प्रतेश सिन्हा जी, उन्होंने कॉल किया था, बताओ प्रकाश हम एडमिशन ले रहे हैं एक जगह, स्कॉलरशिप पे करा रहे हैं। हम कहे भाई ले लो, बहुत बढ़िया है, हम तो ये नहीं कहेंगे कि डीएलएड खराब है, डीएलएड में मेहनती लोग अच्छे होते हैं, जो मेहनती जो नहीं करेंगे पहले से गधे गुच्छे होंगे, तो उनका तो बैक लगना तय है। याद रखना 98% हमारी खुद की मैम 96% लाएंगी, तो याद रखना है ना मैडम हमारी, तो 96% लाएंगी, मामूली नहीं होता है ना, कसम खाई है तो लाना ही पड़ेगा उनको, चाहे जैसे चाहे जिस हिसाब से वो पढ़ेंगी लाएंगी जरूर, विश्वास है, इतना बात तो नहीं होती है लेकिन विश्वास से कभी फिर से वापस आएंगे, पूजा पाठ भी कर रहे हैं उनके लिए, सब कुछ करेंगे भाई, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बनी रहेंगी, हम उसको खोना नहीं चाहते हैं, अगर सामने वाला है तो है बना रहेगा हमारे लिए, है ना, जो चीज़ें हैं सब हैं। इसके बाद साथियों बात करें यूपीटेट एडमिशन कार्ड, एडमिट कार्ड के लिए, तो एडमिट कार्ड का भी हाल ही में मतलब अभी शाम को ही एक न्यूज आया था, आपने देखा होगा, अभी उसकी सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे रिकॉर्डेड, आप देख लीजिएगा उसको, तो जिसमें कि हमने देखा था साथियों, उसमें यह बोला गया कि जब यूपीटेट का एग्जाम होगा, मतलब 28 नवंबर को एक तरह से आपका फिक्स है एग्जाम होना, तो 28 नवंबर के 10 दिन पहले यानी कि 18 और 17 के बीच में, 18-17 के बीच, नवंबर 17 नवंबर 18 नवंबर के बीच, भाई एडमिट कार्ड आ गया, अभी भी पढ़ लो मेरे यार, पढ़ लो, नहीं तो उजड़े चमन बन जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, समझ रहे हो ना, उजड़े चमन हो जाओगे यार, पढ़ लो, वीडियो शेयर कर लो, पढ़ लो, रिवीजन कर लो, हम बता रहे हैं ना, अगर खुद पे विश्वास ना हो तो हमारे विश्वास करो, हमारे विश्वास करो, सिर्फ चैनल पे जितने वीडियोस आ रहे हैं, जितने वीडियोस आ गए हैं, अगर फिर से रिवीजन कर लिए तो कहीं से एक नंबर नहीं छूटने वाला है, याद रखना, हमने अपने वीडियोस का क्वालिटी उतना रखा है, जो आप खरीदते हो ना कोर्स उससे बहुत बेहतर तो नहीं कहेंगे, लेकिन उससे कम भी नहीं है, याद रखना, अगर एक नंबर उस बच्चे को नहीं आ रहा जो पेड क्लासेस लेके काम कर रहा है, तो आपको भी वो एक नंबर करने के प्रयास कर सकते हो कम से कम, मतलब जब उसको नहीं आ रहा है तो आप, मतलब जब आपको नहीं आ रहा है तो उसको भी नहीं आएगा, अगर हार्ड है पेपर में क्वेश्चन, कोई 4-5 हार्ड क्या 10-15 तो हार्ड ही होते हैं, लोग आता हुआ कन्फ्यूजन होता है, लेकिन माइनस मार्किंग तो नहीं होगा, आप लोग भर सकते हैं आराम से, कर सकते हैं सारे 150 के 150 हो, लेकिन अगर एक क्वेश्चन जो हार्ड है वो आपको नहीं आ रहा है तो 100% क्या 105% कहते हैं उसको भी नहीं आएगा, जो चाहे जहां से पढ़ाओ भाई, अगर हम भी बैठ जाए अभी, अब मतलब जो अच्छे अच्छे नंबर आए वो भी बैठ जाए ना, तब भी 10-20 नंबर छोड़ के ही आएंगे, आता ही नहीं होगा, लेकिन तुक्का मारेंगे तो 5-6 सही हो जाएंगे, लेकिन हमारा तुक्का नहीं सही होता है भाई, याद रखना, हम कभी तुक्का मारने का प्रयास बहुत बार किए लेकिन हमारा टाइट ऑफिस हो जाता है वैसा। इसके बाद साथियों बात करें सुपर टेट की मेरिट वीडियो, हमने बना दिया है भाई सुपर टेट का, दो दो मेरिट वीडियो बनाया है, आप आकर देख लेंगे, वैसे सुपर टेट की वीडियो अब जो इस बार तो ठीक ठाक आएगा, मतलब इस बार तो जो मेरिट बनेगा आपका एकेडमिक मेरिट के आधार पर बनेगा, 10% 10% 10% 10% प्लस 40% प्लस 60% आपका सुपर टेट का, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब भी यूपी टेट का पेपर होगा थोड़ा ध्यान देना, और इस बार वाले बच्चे अब ऐसा पेपर देना कि एक ही बार में 120-130 नंबर आ जाए, अन्यथा फिर से देना पड़ेगा भाई, क्योंकि होने जा रहा है 20% यूपी टेट का, यूपी टेट में 20% होने जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन कर रहा है, तो कहते हैं 40 के 40% ठोक डालो इसी पे, एकेडमिक मेरिट उधर सफा कर दो, 40 के 40% यूपी टेट पे ठोक दो, जिससे कि बच्चे कम से कम अच्छे बच्चे तो एक तरह से रॉ जो अच्छे होते हैं, जो क्रीम बच्चे होते हैं वह निकलेंगे यार, टीचर बनेंगे, अपने जैसे बच्चे तैयार करेंगे, गधों जैसे नहीं बच्चे तैयार करेंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दो। 2018-2017 प्रशिक्षु का एग्जाम कब होगा, तीन बार बैक लगा है, तो बता दें 2017 वाले बच्चे जो हैं, 2018 वाले जो बच्चे हैं वो अगर यह पूछ रहे हैं कि सर मेरा, हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, अभी शाम को एक वीडियो आई थी, हमने व्हाट्सएप नंबर भी अपना दिया है, उसमें ग्रुप में करीब 140-150 बच्चे हो गए और दूसरे ग्रुप में भी 60-70 बच्चे हो गए, तो इस तरह से हमारा मुकाम बहुत जल्द पूरा होगा, 400 बच्चे बहुत जल्द पूरा हो जाएंगे 3-4 दिन में, तो हम आपको लास्ट नवंबर तक एक दोस्तों देते हैं, एक तरह से मौका देते हैं लास्ट नवंबर तक, लास्ट नवंबर तक अगर बच्चे इतने आ जाते हैं हमारे पास, हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो जाती है 30,000 की, 30 से 40,000 के आसपास बच्चे हो, 20-25,000 हो जाएंगे, 20-25,000 भी हो जाएंगे ना,
तब याद रखना साथी, हम आपका 100% साथ तो आज भी देते हैं, तब भी देंगे, तब तो पूरा सियोरिटी के साथ देंगे साथियों, क्योंकि आपने हमारे विश्वास पर खड़े उतरा है तो हम आपके विश्वास पर खड़े उतरेंगे 100%। लेकिन हमारे विश्वास नहीं तोड़ना है। 30,000 डेली शेयर करो, जो जो मिल जाए रास्ते में आते जाते, चाहे जो मिल जाए सब्सक्राइब करा लो चैनल को साथियों, क्योंकि उनके काम की ही चीज़ है। गलत चीज़ें तो बहुत दिखाते हो, सबको दिखाते फिरते हो, शेयर करते हो, हर जगह फैलाते हो, कभी सही चीज़ भी शेयर कर लिया करो, कभी सही चीज़ भी आदमी से सब्सक्राइब करा लिया करो, शर्माते हो, शर्माओगे इसी तरह शर्माओगे फिर। याद रखना, चाहे जितने बड़े हो जाओगे उससे बड़े नहीं होगे जो नौकरी पाकर जॉब करेगा। आप इसी जगह बैठे रह जाओगे। दोस्तों 2017 बैच के हो ना, 2018 बैच के हो ना, याद रखना 2017 2018 बैच के 3-4 बच्चे हमारे पास हैं, 3-4 भैया लोग हैं जो लिस्ट निकाल के भी दे देंगे, टीचर है वो। शर्म करो, आप लोग का बैक लगा है। अभी हमने जो जूनियर का एग्जाम हुआ था, हमने रिव्यू करने वहाँ पे गए थे, तो 2017 बैच के बहुत सारे वहाँ पे भैया लोग थे, तो उनका जो हमने रिव्यू लिया तो खुद बताया कि हमारा बैक तो कभी आया ही नहीं डीएलएड में, तो हम कैसे बताते डीएलएड में बैक लगता है। यानी कि उनकी अपनी स्ट्रेटजी उन्होंने शेयर किया है, हमने उसको डाल रखा है, देखे नहीं होंगे तो देख लीजिएगा साथियों, बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटजी बनाते थे वो लोग, तभी आज सफल हैं। यूपीटेट 2 बार क्लियर किए, सीटेट 2 बार क्लियर किए, तब से आप लोग 2017 में बैक लेके बैठे हो, पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर में, बताओ क्या करोगे, आगे का भविष्य दिख रहा है कुछ, या फिर कोई काम धंधा कर रहे होगे प्राइवेट, अच्छा खासा इनकम भी हो रहा होगा 40-50 लाख रुपए, तो बहुत बहुत सही है, उतना तो आना चाहिए भाई। अब आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो, यहाँ तक पहुँचाना चाहते हो कि नहीं। याद रखना, जब हमारा प्रत्यावेदन नहीं स्वीकार रखा जाएगा तो यही नंबर हमको बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले जाएंगे। अगर यह नंबर हमारे पास है, जितनी ज़्यादा संख्या होगी ना उतनी ज़्यादा लोग आएंगे, इस तरह नहीं कि हम, हमारे पास संख्या तो कम है इस समय फिलहाल, हमारी तो छोटी फैमिली है, लेकिन आप लोग हैं बहुत ही तसल्ली मिलती है कि आप लोग की दुआओं से बहुत बड़ी हो जाएगी हमारी चैनल, हमारा जो फैमिली है बहुत जल्द बड़ा होगा साथियों। बस आप शेयर किया करो भाई, कोई वीडियो आए, कोई भी अपडेट आए, कोई भी क्लास आए, पॉलिटी की क्लास धुआंधार चल रहा है तो शेयर करते हो कभी, देखते तक नहीं होगे, काम का है ही नहीं। यूपीटेट भविष्य में देना नहीं है, सुपरटेट भविष्य में देना नहीं है, यूपीएसआई देना नहीं है, तो क्या देखोगे भाई, प्राइवेट कर रहे हो ना, पैसा आ रहा है ना, दिन भर खट रहे हो ना, गाली सुन रहे हो ना, सुनो अच्छी बात है, करते रहो, अगर हो सके तो पापा का बिजनेस भी संभाल लेना, वो भी बहुत अच्छा काम है, लेकिन मन से संभालो, जो भी करो दिल से करो, मन से करो, या छोड़ दो डीएलएड, फिर क्यों पड़े हो फिर इसके पीछे। अगर इसके पीछे पड़े हो ना तो संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा हमें, चाहे 2019 बैच के ही प्रशिक्षु क्यों नहीं होंगे जो बैक लगे हैं, जो बोल रही अभी 3-4 बच्चियाँ बोल रही थी कि सर हमें धरना करना है, कहाँ थे, सो रहे थे, रजाई में थे ना, ठंडी लग गई है, भैया रजाई में मोजा वोजा ओढ़ के अच्छे से कानून ढक कर सो जाना, बैठ जाना वहाँ पर, अच्छे से एक विचार कर लेना कि कब जाना है, आखिर हमारा क्या होगा, बैक वालों का क्या होगा, विचार कर लेना अच्छे से। माला वाला का खुले लेना, आता है ना रुद्राक्ष का माला, हम जपते हैं, अब जपना भी स्टार्ट करेंगे मैडम के लिए, है ना, तो उस चीज़ को आप जप लेना, ऐसे 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 जप लेना, जितनी बार जपोगे उतनी अच्छी आपकी तरह से सुनी जाएगी। तो याद रखना 2019 बैक वाले प्रशिक्षकों को एक बात हम बताते हैं, नवंबर तक का आपका समय देते हैं। अभी 2019 जो पास हो गए हैं बच्चे, जो बैक प्रशिक्षु, जो जिनका बैक लगा तो पास हो गए, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अनाउंसमेंट हो गया है, यानी कि एक तरह से उनका बता दिया गया भाई, प्रस्तावित डेट आ गया दिसंबर लास्ट तक, यानी कि आपके 14 दिसंबर के आसपास में फोर्थ सेमेस्टर जो प्रशिक्षु हैं उनका डेट, मतलब एक तरह से उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका एग्जाम होने की संभावना जताई जा रही है, और 100% होगा भाई, याद रखना। तो अगर आप चाहते हो कि दिसंबर तक हमारा भी बैक का पेपर हो जाए, तो याद रखना साथी, हमें यह संख्या बल बताना होगा। दिमाग दम है, सांस है, तो शेयर करो दबा के, देख लेते हैं कितनी सांस है दिल में, शेयर कर दो दबा के साथियों। अच्छे अच्छे क्लास आते हैं, कितने तो होते हैं बस कमेंट करने आ जाते हैं, क्या रोज रोज वीडियो बना रहे, तुम्हारे काम की चीज़ होती ही नहीं है, तुम तो यही करने आते हो, पैसे रुपए ले लेते हो चंदा कहीं से, आ जाते हो कमेंट करने, हैं, तुम्हारे काम की कोई चीज़ है नहीं, तुम देखते थोड़े हो कि और क्या पढ़ते हैं दिन भर में। यह दिन भर में इस वजह से आता है कि बच्चों को बुरा ना लगे कि उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से रात में 9 बजे डेली यह वीडियो आएगी, हमेशा आएगी, चाहे 2 ही बच्चा क्यों ना देखे भाई, याद रखना उसके ही कमेंट लेंगे हम, सारे बच्चों का कमेंट अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जो जो बच्चे कमेंट किए हैं सारे बच्चों का नाम लेंगे और सारों का कमेंट के जवाब देंगे। यह सारी चीज़ें थोड़ी सी कॉमन होती हैं, इस वजह से हमने लिख दिया साथियों। आपके 18-17 नवंबर के बीच में आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, याद रखना एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर नहीं डाउनलोड किए एडमिट कार्ड तो टाटा फीस फिर नहीं डाउनलोड कर पाओगे, तो याद रखना जिस दिन आए एक दिन दो दिन रुक कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर एक दो दिन रुकने लगोगे तो इस तरह सारे लोग रुकने लगेंगे ना, तो रुकना मत, आप डाउनलोड कर लेना, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और डाउनलोड कर लेना तो उसको हमको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट देना, जो बच्चे व्हाट्सअप वाले हैं जरूर हमको देंगे अपना थोड़ा सा एडमिट कार्ड देख लें, या फिर कोई गलती होगा तो जरूर बताइएगा उसमें, वैसे गलती का कुछ यहाँ पे लेना देना नहीं है, बस थोड़ा सा अच्छे से सारा अपना डॉक्यूमेंट्स हम बताने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप लेके जाएंगे, कल एक सुबह वीडियो आएगी डॉक्यूमेंट्स में आपके पास क्या क्या होना चाहिए वहाँ पर, वो चीज़ हम बताने वाले हैं आपको। तो उसमें डिजी लॉकर तो होगा ना आपके पास, तो उसमें अपना ओरिजिनल सारी चीज़ें रख लेंगे और प्लस ओरिजिनल भी लेते जाएंगे, हम बताएंगे क्या क्या लेके जाना आपका, आपका जो BTC का मार्कशीट है ना सेकेंड सेम तक का,
तो सेकंड सेम का तो होगा आगे आपके पास, डाउनलोड कर लीजिएगा, फर्स्ट सेम का तो आया नहीं है, और थर्ड सेम का तो प्रमोट ही है, फर्स्ट सेम का थर्ड सेम का, तो सेकंड सेम का तो होगा तो उसको लेकर ही जाएंगे आप, ठीक है ना। अगर बीएड वाले बच्चे यहाँ पर है तो बीएड वाले भी अपना लेके जाएंगे, ठीक है ना, याद रखना साथी। इसके बाद लैपटॉप की बात कर ले भाई, लैपटॉप देखो डीएलएड वाले को मिलेगा जो पास प्रशिक्षु है, जो पास होंगे, जिनका बैक लगा है बैकवर्ड वाले को नहीं मिलेगा, याद रखना, क्योंकि उसमें थोड़ी सी क्रीम बच्चों को चाहिए, ऊपर से बच्चों को छटनी होगी। उसमें तो लिखा है 70% 60% 65% वाले बच्चों को मिलेगा, लेकिन 70% 65% की संख्या इतनी ज़्यादा है ना, 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी अगर देखेंगे सारे स्ट्रीम मिला देंगे तो। अब ऐसा नहीं है केवल डीएलएड वाले को ही 1 करोड़ देंगे, डीएलएड में तो 1 लाख से ज़्यादा बच्चे ही नहीं आते हैं, तो कहाँ से 1 करोड़ हो जाएंगे भाई। तो याद रखना सारे स्ट्रीम को मिला के, चाहे पीजी हो, चाहे यूजी हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, है ना, चाहे आपका इधर कोई जैसे बीएचयू वगैरह से कोई संस्थान हो, तो याद रखना साथियों उसमें क्या होगा, एक फॉर्म दिया जाएगा आपके संस्थान से, उसको भरा जाएगा। अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है क्योंकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो उसके बाद हो सकता है लास्ट नवंबर तक ऑफिशियल डेट, ऑफिशियल एक तरह से लिंक आए, उसमें आप लोग अप्लाई करो, है ना, नहीं तो फिर कॉलेज से संपर्क कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा वहाँ से। और जो बैक हैं बच्चे उनको नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं उनको मिल सकता है भाई, जो फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड में एग्जाम दिए हैं या फिर लास्ट सेमेस्टर बीएड में एग्जाम दिए हैं वो भर सकते हैं, आराम से उनको मिल जाएगा। अपने थोड़े कॉलेज से आप संपर्क कर लेंगे, या फिर जो बीएड के बच्चे जो थर्ड सेमेस्टर में गए हैं वो भी अपने कॉलेज से संपर्क कर लें, उनको मिल जाएगा आराम से, पता कर लें वहाँ से। एक फॉर्म है, हम आपको दिखा देंगे फॉर्म, सुबह स्क्रीनशॉट बना देंगे उसकी रिकॉर्डिंग उसका, तो आप ले लेंगे उसको अच्छे से। अब हम चलते हैं एक एक बच्चों, एक चीज़ याद रखेंगे साथियों, दोस्तों एक बात हमको याद आ गया अभी का अभी, दोस्तों बैनर नीचे कर दो वरना हमेशा के लिए बेरोजगार बना दूंगा। ये किसका पता है, किसकी कहावत थी, किसने बोला था, हमारे योगी जी ही बोले थे। किसको बोले थे पता है, बैनर नीचे कर दो वरना हमेशा के लिए बेरोजगार बना दूंगा। साथियों ये डीएलएड बच्चे को ही बोला गया था, अकेले गया था यार वो, तब बोला गया था उसको कि बैनर नीचे कर लो नहीं तो हमेशा के लिए बेरोजगार कर दूंगा। साथियों बेरोजगार क्या करोगे तुम यार, हमारे पास तो हमारे बच्चे ही थोड़े से मूर्ख हैं, मूर्ख क्या, ये बहुत ही बुद्धिमान बच्चे हमारे पास हैं, वो कभी शेयर ही नहीं करना चाहते हैं, और सही चीज़ उनको तो अच्छी ही नहीं लगती है। उनको मिठाई दिया जाए तो उनको अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ा तीखा चाहिए उनको, तो तीखा पात्र हैं अब, जैसी करनी होती है वैसे भरनी होती है। साथियों अगर आप हमारा साथ देंगे तो याद रखना 100% सपोर्ट रहेगा, हर जगह सपोर्ट रहेगा और हर क्षेत्र में सपोर्ट रहेगा, चाहे जिस भी क्षेत्र से बच्चे हों। SSC GT का हो रहा है हड़ताल ना, उसकी 3 वीडियो हमारे पास आई है, लेकिन हमको समय नहीं मिल पा रहा है कि हम आपको डाल दें आपके पास, मतलब कि वो वीडियो सेंड कर दें, चैनल पर ला दें। SSC GT का हड़ताल हो रहा है ना, बच्चे धरना दे रहे हैं ना, वहाँ पर जो आपके दूसरे पार्टी के हैं ना वह उसको सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि बच्चे वहाँ पे हिम्मत वाले हैं, ग्रुप डी के बच्चे देखिएगा ये 15 तारीख तक ले लेंगे अपना वो एक तरह से डेट निकलवा लेंगे भाई, मजाक नहीं लग रहा है ना, मजाक लग रहा होगा कि 3 साल से नहीं आया आप कैसे आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि वो हिम्मत वाले हैं, 100% आएगा, देख लेना हम लिखित देते हैं इस बात को। लेकिन साथियों आप लोग में हिम्मत नहीं है, इस बात को हम आजमा चुके हैं। अब जो बच्चे बोल रहे हैं फिर से धरना करने के लिए 2019 बैक वाले ना, तो उनके लिए हम सिर्फ एक बात कहेंगे, जब तक हमारे पास इतनी बल नहीं हो जाती है, इतनी संख्या नहीं हो जाती, चाहे जिस भी स्ट्रीम पे हो यार, घर में 10 मोबाइल है 10 सब्सक्राइब करो, गांव घर में चाचा मम्मी बुआ फूफा सबका है ना, सबसे सब्सक्राइब करो, जितने कॉलेज में बच्चे हैं सबका पकड़ पकड़ सब्सक्राइब करो, उनको एक वीडियो दिखा दो कि अगर अच्छा लग जाए, जैसे कि हमारा लैपटॉप वाला जो वीडियो बना है शेयर कर दो इतना धमाके तरीके से ना, आज ही वायरल हो जाए, शेयर नहीं कर सकते, पॉलिटिक की जो वीडियो आनी शेयर कर दो इतना कि आज ही वायरल हो जाए, इसमें ताकत नहीं है क्या, साहस नहीं है, सिर्फ बोलने में ताकत है कि कल चलना है धरना देने, कमेंट करने के लिए आ जाते हो सभी लोग हैं कि कल चलना है, सर जी हमारा सपोर्ट करिएगा। भाई सपोर्ट तो हमेशा रहेगा, अगर आप हारते रहोगे हार भी जाओगे तब भी सपोर्ट रहेगा, जीत जाएगा तब हो सकता है सपोर्ट छूट जाए, क्योंकि आप खुद जीत गए, हारने पर खड़ा करने का काम शिष्य का ही होता है, शिक्षक का ही होता है, शिष्य जब हार जाते हैं तो याद रखना हम आपके साथ हर पल खड़े रहेंगे। साथियों बस शेयर कर देना भाई, यहाँ पे चिल्लाने का काम क्यों करते हैं हम, हमारी सेहत देख रहे हो, खुद अंदर से डिस्टर्ब मैडम को लेकर रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, और खुद और आप लोग के लिए थोड़ा सा मेहनत और प्लस अपने 4-5 घंटे पढ़ना, फिर उसके बाद उधर जाकर कोचिंग पढ़ाना, सारी चीज़ें करनी होती भाई, आप लोग नहीं समझोगे है ना, बहुत टेंशन होता दिमाग में, रातों को नींद नहीं आती है, समझ रहे हो ना, तो बहुत सारे टेंशन, अभी भी हमारी तबीयत सेहत सही नहीं है, जुखाम हुआ है, रह रहे के बुखार हो जा रहा है ज्वर, लेकिन फिर भी हम आपके सामने एक्टिव रहने की प्रयास करते हैं हमेशा, क्योंकि आप लोग को यह ना लगे सर ही मजबूत नहीं है भाई, क्यों नहीं मजबूत है, हम तो तबीयत अगर हमारे पास हमारा पूरा शरीर तपता रहेगा ना तभी आपके साथ चलने के लिए तैयार है भाई, हम ग्रुप बना रहे हैं ना, देख लेना 150 बच्चे हो गए, एक में 60 बच्चे हो गए, मतलब हमारे पास 250 के आसपास बच्चे हो गए हैं, लगभग 210-220 बच्चे है ना, कुछ उसमें शरारती कर रहे थे, लिंक वगैरह कहीं से भेज रहे थे, उनको हमने ब्लॉक कर दिया, हटा दिया चैनल से, मतलब एक तरह से चैनल से भी ब्लॉक कर दिया उनको, और वहाँ से भी ब्लॉक कर दिया, कभी ना हमसे संपर्क बना पाएंगे नहीं जुड़ पाएंगे,
ऐसे, यानी कि शरारत मत करो भाई जो चीज़ें हैं, कम से कम अपनी ज़िंदगी शरारत मत करो ना। अब आपके कमेंट लेते हैं, अब आपका काम है सिर्फ शेयर करना, जितना दम है लगा दो शेयर करने के लिए। नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, ज्वाइन हो जाना सभी बच्चे। हम सबके कमेंट लेते हैं अभी के भी, पर यह लेते हैं जो भी आया था आपका, यह यूपी टेट का एडमिट कार्ड के लिए। इसे इसमें लिखा गया अभ्यर्थियों, अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र परीक्षा से लगभग 10 दिन पूर्व परीक्षा संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जिन्हें अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड करेंगे। इस डाउनलोडेड प्रवेश पत्र के साथ ही अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित सम्मिलित हो सकेंगे। अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे, मतलब अलग से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे भाई। प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को परीक्षा देनी होगी, जहां पर आपका जाएगा, जैसे कि प्राइमरी जूनियर जो दोनों बच्चे दोनों फॉर्म भरे हैं, मतलब कि तो उनको एक ही जगह पेपर होगा, पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट में। अगर किसी का बनारस में होगा, बनारस में, तो आप लोग जरूर बताइएगा। किसी के भी यूपी टेट का परीक्षा अगर बनारस में है, बनारस में चाहे जहाँ भी हो, तो आप लोग जरूर हमें कमेंट करिएगा कि अगर बनारस वाले बच्चे हमसे जुड़े हैं तो, अगर बनारस में आपका सेंटर है तो आप जरूर कमेंट करेंगे साथियों, वहाँ पर आकर रिव्यू करेंगे हम, ठीक है ना। और सारे प्रशिक्षु अपना सेट जरूर भेज देंगे हमें। अब पहला कमेंट लेते हैं भाई, किसका है? राजिल हसन का है। सर हमारे कॉलेज वाले बताए नहीं मिलेगा डीएलएड को। डीएलएड को कैसे नहीं मिलेगा, उसमें तो लिखा है डीएलएड को मिलेगा। कौन कह रहा है डीएलएड को नहीं मिलेगा, उनसे बोल देना, दिखा देना, एक फॉर्म है, उस फॉर्म में लिखा है साफ साफ कि आईटीआई पॉलिटेक्निक डीएलएड है ना। अगर आप फेल हुए हो, बैक हुए हो, तो हो सकता है आपको सिर्फ बोले हो सेपरेटली, लेकिन सबको मिलेगा। डीएलएड वालों को मिलेगा, बीएड वाले को मिलेगा, पीजी यूजी है ना, यहाँ तक कि 12th 10th को भी मिलेगा है ना। लेकिन आपके कॉलेज वाले अगर थोड़े एक्टिव हों तो, अन्यथा नहीं मिलेगा। और ऊपर से छाटा जाएगा बच्चों को, नीचे से नहीं। मिनिमम का क्राइटेरिया रखा गया है कि 70-70% वाले बच्चों को, जो 70, जैसे कि जिस संस्थान से आप डीएलएड कर रहे हो तो 70% और 65% तो आम बात होता है, डीएलएड में ला ही लेते हो। इसके बाद साथियों, मतलब कोई वैल्यू नहीं होता है, इतना समझ लो मत, ये कहना आप हम लैपटॉप पाने वाले हो गए, शिक्षक भर्ती निकाल लो तो जाने है ना, तब वीर हो। तो 70% 70 और 75 और 76 65 के बीच में जिसका परसेंटेज होगा, मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया, उससे नीचे होगा तो आपको मिलेगा ही नहीं। और प्लस क्रीम छाटा जाएगा, मतलब ऊपर से 100% से लगभग नीचे की तरफ आया जाएगा। तो जो अगर 80 के ऊपर ही उसे उन्हें मिल गए 1 करोड़ बच्चे, तो दे दिया जाएगा उनको, नीचे आने की जरूरत नहीं होगी 80% से, तब यह समझे, यह बात होती है। आगे हैं काजल कुमारी जी, इनका कहना है जिसका सब्जेक्ट बैक है उसे प्रमोशन दीजिए। जिसका सब्जेक्ट बैक है, याद रखना, जिसका सब्जेक्ट बैक है उनको प्रमोशन इसी आधार पर मिलेगा कि हमने एक बार तो हड़ताल हो गया, हमने करवाया था और सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, आई थी 12 बच्चे थे, कुछ नहीं उखड़ पाया। लेकिन हमारे पास वीडियो भी आई थी, वीडियो डाले हैं, देख लेना, अभी एक हफ्ते भी नहीं हुए होंगे, दो हफ्ते हुए होंगे, देख लेना उसको, 2 हफ्ते नहीं बीते होंगे, करीब जल्द का ही वीडियो है, लगभग 1 तारीख का, आज क्या तारीख है भाई, आज आपका 7 है ना, तो 1 हफ्ते 1 तारीख का वीडियो है, देख लेना आकर। दोस्तों 30 के दम है, साहस है या दम साहस है भाई, साहस तो बहुत कुछ है आपके अंदर, लेकिन आप हनुमान जी हो, आपको जामवंत ने जब याद दिलाएंगे ना, तब आपको याद आएगा। इस तरह हम आपको, ये जामवंत हैं, आप हनुमान जी हो दोस्तों, इतना आपके पास साहस है ना, अगर सारे वीडियो शेयर करो ना, तो मात्र 4 से 5 दिन में या 30,000 होने में समय नहीं लगेगा बच्चों को। आप क्या सोच रहे हो, समय लगता है? नहीं समय लगता है भाई, ये सोशल मीडिया है, वीडियो बहुत तेज वायरल होती है। आप सारे वीडियो शेयर करके तो देखो, आपको जो अच्छी लगती है वो वीडियो शेयर करके तो देखो, अपने अगल बगल बच्चों को बताओ तो चैनल के बारे में, ऐसे ही तो चैन एक बढ़ेगी। और ऐसा नहीं कि हम केवल डीएलएड वाले ही बच्चे वहाँ पड़ताल, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आपके सहयोगी हैं तो उनको लेके चलना, क्योंकि हमको थोड़ा सा वहाँ पे भीड़ दिखाना होगा, ठीक है ना। हाँ, 1076 पर कॉल करो, सीएम हेल्प लाइन नंबर है, सीधे सीएम से बात करो, सब लोग नहीं तो कुछ नहीं होगा, हम लोगों को भाई देख लेना, इसमें सीएम बिजी हैं है ना, अपने सीट के पीछे पड़े हैं, धसकने वाली है सीट उनकी, तो आपसे बात कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बता देना हमें, रिकॉर्डिंग भेज देना। UP 72 भैया काजल कुमारी जी है ना, मत करो भाई, पढ़ाई वढ़ाई कर लो। रुद्र शिवम जी, ठीक है भाई, आपने हमने बोला था कि भैया बताना किस जिले से हैं, तो बनाए भैया बताए हैं प्रतापगढ़ कुंडा से हैं, बहुत से भाई प्रतापगढ़ हमारा अभी रिलेशन है। इसके बाद साधना पटेल जी का कहना है, सर डीएलएड 4th सेमेस्टर वालों को नहीं मिलेगा। 4th सेमेस्टर, देखिए डीएलएड 4th सेमेस्टर वालों को हो सकता है ना मिले, एक चांस मतलब एक बार पूछ लीजिएगा अपने कॉलेज से, क्योंकि शायद वो पास आउट के कैटेगरी में आ जाएंगे ना, इस वजह से शायद ना मिले, आप देख लेना 2019 बैच वालों, एक बार पूछ लेना, कॉलेज वाले ही बता सकते हैं आपके कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पर ऑनलाइन सेवा भी नहीं उपलब्ध है।
हाँ दिव्या गुप्ता जी, सर डीएलएड 2019 बच्चों को मिलेगा क्या, प्लीज़ रिप्लाई। लैपटॉप की बात हो रही है, टैबलेट है ना, तो 2019 बैच वालों को हो सकता है मिल जाए, एक बार पता कर लेना, अगर पास होते हो तो शायद मिल जाए, बैक लगती है तो नहीं मिलेगी, याद रखना 2019 बैच में इस बार जो फ्रेश बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, धाकड़ बैक लगने वाला है भाई, याद रखना बैक तो खतरनाक लगेगा, वो भी सिर्फ दो सब्जेक्ट में, पता है किसमें, इंग्लिश और मैथ में, देख लेना लगेगा लगेगा भाई। हमने कॉपियां देखी हैं तो उसमें सारी चीज़ें सुचारू रूप से हमने देखा कि किस प्रकार से कॉपियां आपकी चेक हो रही थी। वैसे कॉपी अगर आपको देखना है डीएलएड की कॉपी कैसे चेक होती है, तो हमने एग्जाम अपडेट नाम के प्लेलिस्ट में आएंगे, एग्जाम अपडेट नाम का फाइल बना होगा, उसमें करीब 200 प्लस वीडियो होंगे, तो उसमें आप देखेंगे जब, तो उसमें हमने नीचे जब जाएंगे तो एक बुड्ढे ने एक मतलब एक हॉल है बहुत बड़ा, उस वीडियो को देखेंगे आप, वीडियो जब ओपन करेंगे तो हॉल में बहुत सारे बुड्ढे मिलकर चेक कर रहे हैं कॉपियां, बुड्ढे हैं और शिक्षक शिक्षिका मतलब बहुत सारे लोग हैं, और हमने एक कॉपी सेपरेटली लेकर उसका वीडियो बनाया है, देख लेना जाकर मिल जाएगा आपको भाई। सांबर झील, हाँ भैया सांबर झील हमारा राजस्थान में है भैया, जो पूछे हैं बता दिया गया। सावित्री, सावित्री निषाद जी का गाना है, सर हमारा सेकंड सेमेस्टर दोबारा बैक लगा है, प्लीज़ सर हम लोगों के लिए, भाई बता तो दिया गया 30,000 मिनिमम क्राइटेरिया हमारा इस बार तो टारगेट होगा भाई, आप लोग जब तक 30,000 बच्चों को नहीं लाते हो, 30 से 40,000 बच्चे, इतना शेयर करो कि चैनल पे आ जाएं, सब्सक्रिप्शन इतने हो जाएं, इतने हमारी फैमिली हो जाए, तब जाके हम आगे कुछ करने वाले हैं क्राइटेरिया, या आपको 4 से 5 दिन में भी कर सकते हो अगर सभी लोग एक तरह से हिम्मत बना लो ना कि सर की इतनी वीडियो शेयर करनी है कि आ जाएंगे इतने बच्चे, भैया आ जाएंगे 100% आ जाएंगे, बस शेयर करके तो देखो, नहीं आ गए तो स्टेटस लगाओ फेसबुक पे, शेयर करो फेसबुक ग्रुप में, शेयर करो फेसबुक पे, स्टेटस लगाओ पापा के मोबाइल से, शेयर करो मम्मी के मोबाइल से, शेयर करो दीदी के फेसबुक पे, शेयर करो भैया के फेसबुक पे, शेयर करो, करो ना यार, तुम लोग के काम की वीडियो, लोग मना थोड़े करेंगे, फालतू वीडियो तो बहुत देखते हो, शेयर करवाते हो, देख लो छुपा छुपा के देख लो, कैसे दिखाते हो फ्रेंड को, फालतू वीडियो चला दिए एक ठो, बढ़िया सा रंगीन वीडियो चल रहा है, बगल वाले को दिखा रहे भैया देखो, तो देखो मुस्कुरा रहे हो लड़की को देख के, बेटा हैं ऐसे निकलेगा, ध्यान रखना थोड़ा सा, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है ना भविष्य में पछताने का, याद रखना अगर भविष्य अगर वर्तमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो भविष्य में पछताना है आपको, यह तय है निश्चित है, क्योंकि कृष्ण भगवान जी का उपदेश है साथी, पढ़ते हो कभी उपदेश, नहीं पढ़ते हो ना, समय नहीं मिलता होगा, डीएलएड कर रहे हो अभी, खेलो 4 साल 5 साल अभी 2-3 साल और खेल लो, ये जो 2019 बैक वाले हैं ना देखना, अगर इस बार ये हमारे साथ नहीं दिए 30,000 के नहीं लाए, याद रखना साथी ये 2022 में पेपर देंगे भाई, ये सत्य बात है, 2017 वाले भोग रहे हैं ना, उनसे पूछ लेना जाकर, अभी देखना 3 बार बैक लगेगी, ऐसे मत कहना कि सर इधर श्राप दे रहे, श्राप हम क्यों देंगे, हम तो बच्चों को अपने चाहते हैं, इसी वजह से क्लास चलाते हैं, अपडेट क्यों देते हैं, आप लोग के लिए देते हैं ना, तो हम ये नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे साथ दें, कम से कम हमारा साथ दें भाई, इतना नहीं ला सकते, थोड़ी सी वीडियो होती है, ये थोड़े से सब्सक्राइबर है भाई, ये थोड़े से हमारी फैमिली है, अभी तो फैमिली हमारी मिलियन का टारगेट हमारा है, सिर्फ आप इतना तक पहुँचाओ ना, मिलियन तक अपने आप पहुँचेगा, अब इतना तक पहुँचा के देखो, और इतना टारगेट रहेगा हमारा, तभी लास्ट नंबर में हम धरने के लिए बच्चों से बोलेंगे भाई, हमारे पास जितने अदर बच्चे हैं, जैसे कि एक हमारा ग्रुप और चलता है जिसमें कि 256 बच्चे हैं, 256 बच्चे हैं, उन सबको भी लेकर चलेंगे, लेकिन अगर आप लोग साथ दिए तब। फौजिया सबीर का कहना है, धरने के लिए सब तैयार रहो, हो जाओ, हाँ भाई तैयार हो जाना, फिक्स करें सर वरना बहुत देर हो जाएगी, भैया फिक्स कर दिया है हमने, लेट नहीं हुआ, अभी फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम डेट नहीं आया, सिर्फ प्रस्तावित डेट आया है लास्ट दिसंबर, तो लास्ट नवंबर के आप 25 नवंबर जितने जल्दी आप कर लो टारगेट अपना पूरा या 30,000 का, उतने जल्दी हम चलने के लिए तैयार हैं, चलेंगे, याद करना नेतृत्व भी हम ही करेंगे आपका, लेकिन पहले यह और बहुत जल्द लास्ट नवंबर तक, इसी लास्ट नवंबर तक हो जाना चाहिए, हम एक महीने में मनवा लेंगे भाई, याद रखना साथी जो हमारी लोकतंत्र है ना वो पब्लिक के अनुसार बनी है, पब्लिक जो चाहेगी वही होगा, नहीं उठेंगे वहाँ से क्या कर लोगे, जिस प्रकार से 15 दिन से 20 दिन से बच्चे जैसे जीडी वाले डटे हैं, खाना पीना वहीं पे खा रहे हैं, पैसे घर से आ रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं भाई, हर एक पार्टी बीजेपी को छोड़ के हर एक पार्टी वहीं पे 200 मीटर पर हमारा गृह मंत्रालय है, लेकिन वह सब क्या कान से उनको खबर नहीं दिख रहा होगा, सारी चीज़ें खबर नहीं मिल रही होंगी, साला एक गोली चलती है ना तुरंत पहुँच जाते हैं डंडा फंडा लेके लगा देते हैं सेना फेना, क्या उतने बच्चे उतनी बच्चियाँ बात करते यार तुम बच्चियों की कि बच्ची बढ़ेंगी पढ़ेंगी लिखेंगी, क्या करते यार खड़ा सब बैठे हैं रोड पर, नौकरी उनके हाथ में है, तुम नौकरी के लिए उनको बुला नहीं रहे हो, प्लस SSGD का जो भर्ती हो गया है वह सारे क्राइटेरिया फॉलो कर चुके, कम से कम उनको दो यार, उनको दो अब मतलब कि एक तरह से सिलेक्टर सिलेक्शन लेटर दो, उनको सिलेक्ट करो, उनको सिलेक्ट हो गए उनको बुलाओ काम पे बुलाओ, बच्चे काम करना चाहते हैं, जब सिलेक्शन हो गया है उनका तो काम पे बुलाओ उनको, फिजिकल हो गया सारी चीज़ें हो गई, बच्चे अपडेट हो गए, बच्चे का रिजल्ट भी आ गया फाइनली, बच्चे सिलेक्ट हो गए, उनको कॉल लेटर नहीं दे रहा है, और प्लस जो वैकेंसी आई है उसका एग्जाम कराने की बात कर रहा है, 22 को एग्जाम है उसका,
अब पहले वाले जीडी का लटका के रखा है, इसका कब तक लटकाओगे भाई? 2030 तक ले जाओगे क्या? डीएलएड वाले बच्चे भविष्य बहुत खतरे में है। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए संगठन की बहुत ज़रूरत होती है, और संगठन का अगर नेतृत्व करता अच्छा होता है ना, तो बहुत ही जल्दी सफलता मिलती है। तो याद रखना, हम आपके साथ रहेंगे, बस हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहो। साथियों, हम आपसे सिर्फ एक चाहत रखते हैं, ना ही इसमें पैसा मिलता है, ना ही इसमें रुपया मिलता है, सिर्फ हम आपके सहयोग के लिए ही आपका यह फैमिली खड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर 20,000 बच्चे हैं, तो 20,000 में से जब हमने बुलाया तो सिर्फ 12 बच्चे आए, लेकिन अगर हमारी फैमिली 30,000 और बढ़ जाती है तो बुलाएंगे कम से कम 1200 बच्चे तो आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं हमारी बात को? अगर नहीं समझ रहे हो तो अभी भी वैसे रहो भाई, ठीक है। इसके बाद रागिनी सिंधे जी का कहना है, सर हम आपके कहने से पहले भाई ठीक है, वीडियो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, अच्छी बात। रागिनी सिंधे, उपासना जी, सर स्कूटनी के फॉर्म जल्दी आना चाहिए, स्कूटनी के फॉर्म 10 दिसंबर तक आएंगे बेटा, फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आने के बाद। अंकिता कुशवाहा कौशल जी का कहना है, सर धरना देना होगा, होगा मिलकर, वरना अभी धरना देना ही होगा, इतने आएंगे तब हम इस बार करने वाले हैं कुछ भाई, वरना नहीं तो धरने के लिए अलाउ तो कर देंगे करने को, लेकिन बच्चे नहीं आएंगे भाई, क्या करेंगे? याद रखना, कल सुबह दो वीडियो आएगी, एक OMR सीट कैसे आप भरते हैं, बबल करते हैं, एक आएगी वीडियो हमारी मार्कशीट का, यूपीटेट वाले का, सीटेट वाले, सीटेट का नहीं, पहले यूपीटेट का देंगे आपको, आप उसको देख लेना। इसके बाद साथियों एक वीडियो आएगी, फिर से हम आपको आह्वान करेंगे उसमें कि भाई धरने के लिए हमारे पास कितनी संख्या होनी चाहिए, चाहे वो 2017 बैच के हों, चाहे 2018 बैच के हों। 2018 बैच का जो प्रत्यावेदन है वह लास्ट नवंबर तक अगर हमारे पास संख्या हो जाती है 400-500 की, तो बच्चे को भेजा जाएगा, वहाँ पर जाएंगे लखनऊ के CRT में, वहाँ पर प्रत्यावेदन देंगे, उनका स्वीकार कर लिया जाएगा। दो बच्चियाँ हैं, उन्होंने मैसेज किया था, दो बहन है हमारी, मतलब बहन सारी बहनें हैं भाई, सभी लोग बहन है हमारी, एक को छोड़ के, मतलब वो जो है, क्योंकि हमारे पास तो एक ही है सिर्फ, और वही है, वो शायद देख भी रही होगी वीडियो, कुछ भी कर रही होगी, है ना साथियों, वही है। किसी बच्चे ने पूछा हमसे, अभी हम उसका नाम लेते हैं, अभी आगे आएगा, सर मैडम को छोड़ क्यों नहीं देते? भाई क्यों छोड़ दें, तुम्हारी तरह हैं, बताओ हम क्यों छोड़ दें, हम उनको तो पकड़े हैं, सिर्फ हमेशा के लिए पकड़े हैं, अब वही रहेंगे भी, है ना, उनके ऊपर क्या बीत रही हो तो हम जानते हैं ना, किस प्रकार से उनके ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है फैमिली का। अब उनके लिए पूजा पाठ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनको पाके रहेंगे भाई, याद रखना, ये हमारा यह है भाई, वो आएंगे भी, लेट आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर, है ना। तो थोड़ा सा सोचा जाता है दूसरों के लिए, वैसे नहीं बोला जाता है भाई, अपना काम करते रहो, अब जरूरी नहीं उसी में लीन हो जाओ आप, तो बेकार की चीज़ें, है ना। तो यही है, मतलब कि एक तरह से इज्जत भी करना चाहिए उनका, और जब एक के लिए हो तो एक के लिए बने रहो, फालतू का इधर उधर मुँह मारने से क्या फ़ायदा, और ये सब बेकार चीज़ें होती हैं, है ना, और हम ऐसा करना भी नहीं चाहते, हमारे लिए वही बहुत हैं, और उनका हमारे हमको तो पूर्ण विश्वास है कि वह आएंगे, जरूर आएंगे, फैमिली से लड़कर आएंगे मेरे पास, लेकिन आएंगे ज़रूर, यह उन्होंने बोला भी था, और हम पूरा एक तरह से कह लीजिए 200% पूरा बोल सकते हैं वह आएंगे, ठीक है ना, वह जरूर आएंगे। अगला देखना, रेशमा यादव जी का कहना है, कम से कम जो पास हैं जिनके घर प्रॉब्लम नहीं है सब जाएं, हम भी कोशिश कर रहे हैं आने की। भैया कोशिश करते रहिए रेशमा जी, वाह क्या नाम है रेशमा यादव जी मेरी बहन, लेकिन याद रखना कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, घर से कोशिश करते रहो, रजाई में दौड़ लगाते रहो, अब तो ठंडी भी आ गई भाई, चाय पीते रहो, रजाई में पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, है ना, क्या दिक्कत है, और बाबू भैया से बात करते रहो, समझ रहे हो ना, बाबू बबुनी जो भी हैं उनसे बात भी करते रहो, मजा लेते रहो भाई, उसमें देख लेना साल कब गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा, ठंडी गर्मी फिर कब से, फिर देखना दीपावली अभी बीती थी, फिर दीपावली बीत गई, फिर अगली दीपावली फिर बीत जाएगी, आप लोग इसी में लगे रहोगे। याद रखना साथी, समय को पकड़ना नहीं हमें, समय के साथ चलना है, समय से आगे भी नहीं निकलना है, हमें समय के साथ चलना है, जो समय के साथ है वही आज मुकाम पर है अपने, याद रखना साथी। एक बात हमारी बात कड़वी तो जरूर लगती होगी आपको, कि हम आपको जो सत्य चीज़ें बताते हैं वह हमारी मतलब आदत है सत्य चीज़ बताने की, अगर आप लोग इसी वजह से जुड़े हुए होंगे हमारे साथ की सत्य बातों को सुनने के लिए, कड़वी सच्चाई को सुनने के लिए, तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तो आप लोग शेयर नहीं करोगे भाई, क्यों नहीं शेयर करोगे, आप लोग करोगे अपने लिए शेयर करोगे। और याद रखना अभी हम धरना नहीं देने वाले हैं, क्योंकि धरने के लिए थोड़ी सी व्यवस्था होती है, सही समय देखा जाता है, उचित समय क्या होगा, आप ये मत सोचना कि आपका बैक का पेपर फोर्थ सेमेस्टर के साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी बहुत समय है हमारे पास, हम आपको नवंबर का लास्ट दिन दे रहे हैं, याद रखना नवंबर का लास्ट दिन, आप सिर्फ 30,000 ला दिए ना फैमिली में तो धुआं धुआं मच जाएगा, धुआं कहते हैं ना, धुआं धुआं उठेगा, धरना होगा, भयंकर वाला होगा, मजा आएगा, उसमें 2018 वाले बच्चे भी होंगे, 2017 वाले भी बच्चे होंगे, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम DLED पूरा परिवार 2017 हो चाहे 2018 हो चाहे 2019 हो, अगर 2019 वाले बच्चे आपका साथ नहीं देते हैं, जो पास होंगे भाई वो तो कदापि साथ नहीं देंगे आपकी, सोच लो आप ही साथ नहीं देंगे, तभी नहीं साथ देंगे। अभी आए थे यहाँ पे, नहीं आए थे भाई, 12 बच्चे आए थे जिनका बैग लगा था,
और जिनका बैग लगा था खुद ही नहीं आए, तो बैग ना लगने वाले क्यों आए? नहीं आएंगे भाई, क्योंकि उनका बैग लगा ही नहीं है। वो 2019 में आपके साथी थोड़े हैं, वो आप पराए हो गए, वो आगे निकल गए आपसे। याद रखना, भी 2014 का रिजल्ट, मतलब 2019 बैच का फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है, धाकड़ बैक लगेगा भाई, धाकड़ बैक लगेगा, याद रखना। बहुत बच्चों का बैक लगने वाला है, उलट जाने वाले हैं सभी लोग, बिल्कुल टांट ऑफिस होंगे। और अगर बैक लग गया ना तो सुपर टेट से बाहर। उनका एग्जाम कब होगा पता है? फिर 2021 के फर्स्ट सेमेस्टर के साथ होगा। ये मत सोचना शिक्षक भर्ती बहुत जल्दी आ जाएगी, अभी तो अनाउंसमेंट वगैरह चल रहे हैं ना, यूपीटेट के रिजल्ट के बाद ही होगा, जब भी होगा 28 दिसंबर के बाद ही होगा। 28 दिसंबर क्या, जनवरी फरवरी मान लो, फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल वगैरह में ही शिक्षक भर्ती आने वाली, तब तक आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा फरवरी में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक तरह से व्यवस्थित चीज़ें हैं। तो आप लोग अगर अभी भी ध्यान दे दिए ना तो 2018 बैच का पेपर भी हो जाएगा, क्योंकि हम नवंबर में, अगर नवंबर तक हमारे पास 400 की संख्या हो जाती है तो बच्चों को वहाँ पर लेकर जाएंगे, बच्चे खुद जाएंगे। अगर कुछ काम बस हम फंस जाते हैं तो बच्चे खुद जाएंगे वहाँ पर, बच्चों की बात सुनी जाएगी, 400-500 की संख्या होगी। तो क्योंकि पिछली बार 2017 में भी सुना गया था उनका पेपर, 2000 देखो अभी फोर्थ सेमेस्टर के साथ होगा दिसंबर में, है ना। तो बस यही है, हमारा साथ दीजिए, आपका साथ भरपूर तरीके से रहेगा। रेशमा जी चलेंगे भाई, बस जान लगा के शेयर कर दो। तारा मौर्य, तारा माँ फिर आ गई भाई, कल भी आई थी ना। थर्ड का एग्जाम नहीं होने चाहिए, चाहे बैक हो या ना। देखो भाई, बैक हो चाहे ना, ये आप सिर्फ तब बोल रहे हैं क्योंकि आपका बैक लगा है। यह कैसे आप बोल रहे हो कि बैक हो चाहे ना हो, थर्ड का एग्जाम नहीं होना चाहिए? कोई नोटिस पढ़े हो? कोई आपसे बोला है? कोई सगा संबंधित आपका है? कैसे बोल दिए सिस्टर आप, यह बताना जरा। देखिए, आप बुरा ना मानना, लेकिन याद रखना साथी, अपने मन से बोलना आसान होता है, कमेंट करना आसान होता है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत कठिन होता है। रजाई में ढुक कर बातें करना बाबू बबूनी से बहुत आसान होता है, लेकिन बाबू बबूनी के सामने फेस करना बहुत मुश्किल होता है। बाबू बबूनी से शादी की वादा करना रजाई में घुसकर बहुत ही आसान होता है रात रात में, लेकिन सही समय आने पर उनसे शादी करना बहुत कठिन होता है। याद रखना, यही सत्ता छस्सा प्यार होता है। एक बच्चे ने बोला कि सर हमारी गर्लफ्रेंड, देखिए पर्सनल चीज़ें भी आप हमसे शेयर कर सकते, हमारी गर्लफ्रेंड हमें छोड़कर चली गई, फिर बोली कि हमसे हम आप बात मत करना। साथी बात मत करो, उसको अपनी औकात दिखवा दो उसको। आप कुछ बन जाओ ना कि आपको तरस जाए, वो आपको सोचे कि मतलब एक जगह आपको अगर देख ले कहीं ऊंचाई पर, तो आपको देखकर जलन हो जाए उसको कि हाँ अगर आज होती तो मैं भी ऐश करती। साथियों यहाँ रखना, लेकिन अगर सामने से कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर वो आपसे बात नहीं करती है तो थोड़ा सा उसके विश्वासों को लेकर चला जाता है, क्योंकि हमने तो फील किया है इस बात को और आज भी करते हैं, हमारी भी रातें कटती हैं अकेले रोते हुए कटती हैं भाई। सारी चीज़ें होती हैं जो फीलिंग्स हैं हम आपको अपना शेयर करते हैं, ऐसी बात नहीं कि हमारी फैमिली हो आप, सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं, हर एक चीज़ हमारी आपकी सुनी जाती है यहाँ पर। बस शेयर कर दो मेरे से यारों दबा के, और यह सब ना बेकार के लफड़े होते हैं, इन सब के पचड़े में पड़ गए ना तो ज़िंदगी बेकार हो जाती है। थोड़ा सा 5% 10% चलता है, लेकिन अगर दोनों तरफ से बातें बराबर है तब एक लिमिट में बातें होती हैं, उसके बाद अगर उसके बाहर दायरा जाने लगता है तो मन भी नहीं करता है पढ़ने का, बेकार हो जाती है सारी चीज़ें, है ना। तो थोड़ा सा लिमिट में सारी चीज़ें हों और पढ़ाई ज़्यादा फोकस हो, मतलब 5% उधर जो 95% पढ़ाई भी दे दो, क्या दिक्कत है, उधर भी काम चलता रहेगा इधर भी काम चलेगा। और बस रिलेशन ऐसा होना चाहिए जो लास्ट समय तक हो, अंतिम समय तक निभाए, शादी के बंधन तक, उसके बाद भी मरने के बाद ही छूटे, ऐसा होना चाहिए भाई। हाँ भाई, दीपक मौर्य जी का कहना है PNP पर केस कर देना चाहिए भाई, मुख्यमंत्री से मिलना होगा भाई, मुख्यमंत्री जी से मिल लेना, मुख्यमंत्री जी से मैं बहुत बिजी हैं, शायद ही मिले। प्रीति सिंह का कहना है सर जिनका थर्ड में दोबारा बैक लगा है उनका एग्जाम कब होगा? भाई आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें फटाफट, नीचे लिंक कर दिया गया है, और जिन बच्चों को डाउट है वह रोज़ डाउट अपना कर दिया करें उनका इसी सेशन में, ये डाउट सेशन होता है आपका डेली 9 बजे, तो आपका यही में इसी में ले लिया जाएगा, है ना। 9 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, थोड़ा सा जल्दी भी आ सकता है, लेकिन 9 के आसपास में, 9:30-9:10 के आसपास में ही क्लास आती है रात में, ठीक है ना। आपके जितने दिन भर के कमेंट होते हैं वही लिए जाते हैं इसमें। राखी रितिका रौनियार जी का कहना है 2019 बैच DLED फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा? भाई बता तो दिया गया है ना, बता दिया गया लास्ट दिसंबर में प्रस्तावित है, कल भी सकता है, पहले भी हो सकता है, थोड़ा सा लास्ट वीक में कहा गया है जब आपका फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा। रागिनी सिंधे जी का कहना है सर जिनका 2 सेम में बैक लगा है उसका फिर से एग्जाम करवा ले। भाई कैसे करवा लें बताना, आपका संख्या बल होता है कि कोई किसी चीज़ को मंगवाने के लिए हम धरना करवा दें? लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि आप लोग, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं भाई, रोज़ ही धरना कराते हैं ससुराम। तो इलाहाबाद में संपर्कित बहुत सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ के ना, कम से कम 2-3 हज़ार बच्चे होंगे भाई पढ़ रहे हैं वहाँ पर। जब भी आह्वान करें ना दोनों के, तीन मतलब 1-2 हज़ार तो आ ही जाएंगे, 1-1.5 हज़ार तो आ जाएंगे बच्चे। लेकिन याद रखना इसके लिए आपका भी साथ चाहिए, ऐसे नहीं होता है, और हम बड़बड़ी नहीं बोल रहे हैं साथियों, है ना। सारी चीज़ें सच्ची दिल से बोला जा रहा है, अब इस तरह नहीं हम कहते हैं, क्लास नहीं लेते हैं क्या? क्लास देखो, सारी चीज़ें आपको हर तरह से हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं भाई,
पीडीएफ बनाते हैं यार, पीडीएफ देते हैं आपको, क्लास लेते हैं, फिर अपडेट बनाते हैं, सारी चीज़ें तो करते हैं, बताना आप क्या करते हो हमारे लिए, बताना थोड़ा सोचना बैठकर क्या करते हो हमारे लिए। एक दिन में क्या 100 बच्चे को भी जोड़ पाते हो आप हमसे? नहीं जोड़ पाते हो, हमारी फैमिली बड़ी नहीं कर पाते हो आप, बताओ अब क्या किया जा सकता है। आगे विवेक वर्मा जी का, विवेक वर्मा कविता जी का कहना है, भाई पहले सर फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट निकला, हाँ भाई पहले फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम की घोषणा होगी, प्रस्तावित डेट है एक तरह से, वैसे रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है, 15 दिसंबर के पहले पहले आपका एग्जाम आ जाएगा, मतलब एक तरह से रिजल्ट आ जाएगा 10 दिसंबर 15 दिसंबर के बीच में। अनामिका जी का कहना है सर अब आपको प्रमोट कर दिया जाए थर्ड सेमेस्टर, बिल्कुल जो पास हो चुका है उनका प्रमोशन निश्चित है भाई, फोर्थ सेमेस्टर का जब एग्जाम होगा तो यानी कि हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, इस बार जो नोटिस आएगी उसमें लिखा होगा साफ साफ कि थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे मतलब जो पास हो चुके हैं वो प्रमोट हो गए 2019 वाले, यही होगा। अवनीश डिंपल तिवारी जी का कहना है प्लीज़ सर सेकंड सेमेस्टर में बैक वालों के लिए भी कुछ करें, भाई कर तो रहे हैं, ये बता तो दिया गया टारगेट, इतना टारगेट हमें चाहिए फिर आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि हमने दो दो बार धोखा खा लिया, तीसरी बार नहीं खाना चाहते भाई, समझ गए हम, आप लोग साथ नहीं देते हो। मुस्कान मैम एनटीपीसी का रिजल्ट कब आएगा? एनटीपीसी का रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा बच्चा, आप घबराओ ना, क्योंकि जैसे ही ग्रुप डी का डेट अनाउंसमेंट होता है और एक तरह से आपका पता है एंसर पी वगैरह देख लिए हो, अगर आपका 70-60 के ऊपर नंबर है, 60 के आसपास है तो आप सिलेक्ट हो, इतना समझ लेना, रॉ मार्क्स 60 के आसपास यानी 55 के ऊपर है तो आप पूरे तरीके से अपने आप को सिलेक्ट मानो, सेकंड सेमेस्टर 72 की तैयारी करने पर लग जाओ। एनटीपीसी का रिजल्ट कब आएगा बता दिया, एग्जाम कब होगा दोस्तों ये तो नहीं कहा जा सकता एनटीपीसी का एग्जाम सेकंड फेज का एग्जाम कब होगा, क्योंकि उसके पहले ग्रुप डी का फर्स्ट फेज का एग्जाम हो जाना चाहिए, है ना। उर्मिला जी का कहना है सर यूपीएसआई के बारे में बताइए, यूपीएसआई का हमने वीडियो बनाया है मेरिट लिस्ट का देख लेना। एसएसके फैक्ट का कहना है पीएनपी से, हाँ भाई ठीक है। राहुल रस्तोगी का कहना है सर यूपीटेट के सारे क्लासेस बहुत ही बेटर है, भाई बेटर क्यों नहीं होंगे, बेटर तो होंगे, जो बच्चे नहीं देख रहे उनके पूछिए। देखिए यहाँ पर महेश जी का कहना है सर आपके जो पॉलिटी की वीडियो है काफ़ी बेटर है, बिल्कुल होंगे भाई आप देखो तो सही है ना, बस यही है अब जिनका थोड़ा सा कमेंट छूट गया एक बार कमेंट कर देंगे, इंपॉर्टेंट कमेंट होगा तो फिर से हम ले लेंगे, है ना। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, लेकिन आप लोग को ध्यान देना है साथियों, साथ देना है, शेयर करना है, कम से कम एक बच्चा अगर 100 बच्चे को रोज डेली जोड़ता है ना, आप जिसको शेयर करोगे उससे भी बोलना कि वो भी शेयर करें, तो इस तरह से चैनल क्रिएट होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वो खुद भी खुद आ जाएंगे, बस खाना परोस दो, थाली उनके सामने रख दो, खाने का काम वो करेंगे, ठीक है ना भाई। अब बस आप लोग डेली कमेंट किया करें, टेलीग्राम नीचे लिंक दिया गया उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, सारे क्लासेस फॉलो करें, बिल्कुल चिंता ना करें, सारी चीज़ें अपने तय समय पर होंगी, बस ये 30,000 का टारगेट दिमाग में रखकर सारे काम करना, क्योंकि हम दिमाग में यह रख लिए हैं भाई कि हमें बच्चों को अच्छे पोस्ट पर ले जाना है, अच्छे तरीके से बच्चों को निकलवा देना है। धन्यवाद।